जय हिंद फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त आज का होस्ट करण प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पेट्स प्लाजा। आज मैं वेलकम करते हैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हर डॉग लवर के लिए जो कि डॉग रखते हैं। डिवॉर्मिंग करना, आपको पता है डिवॉर्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको फुल टोटल वीडियो बताऊंगा कि कैसे डिवॉर्मिंग किया जाता है, क्या प्रोसेस है, कितने दिन लगता है, क्या कैसे डोज है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखिए। आप स्किप करोगे तो कुछ समझ में आपको नहीं आएगा, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये एक लीवर का दवा है, ठीक है, लीवर टॉनिक है ये। ठीक है, तो लीवर टॉनिक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, बट वे वीडियो में आपको फुल डिटेल्स के साथ कोई नहीं बोलेगा। तो आज मैं वीडियो ऐसा बनाऊंगा कि आप ये वीडियो फुल देख लोगे, पूरा वीडियो देख लोगे तो और भी आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े मेरे ख्याल से। तो एक लीवर का दवा है फ्रेंड, ठीक है, बिलीव 100 बोल के एक लीवर का दवा है। ये बड़े जानवर का लिए है, ठीक है। ये मुझे एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वालिटी का रिजल्ट है, प्राइस भी बहुत कम है। ठीक है, आप देख सकते हो फ्रेंड, बिलीव 100 बोल के इसका नाम है। ठीक है, इसका प्राइस आपका 200, ठीक है, 1 लीटर का बोतल है। तो ये आपको 7 डेज डिवॉर्मिंग करने से पहले आपको 7 डेज आपको चलाना पड़ेगा। आप देख सकते हो 7 डेज आपको 2 टाइम करके चलाना पड़ेगा। एडल्ट डॉग है आपके पास तो आपको 10 ml करके देना पड़ेगा। ये कैप उसके साथ मिल जाएगा, उसमें डोज लिखा हुआ है 10 ml करके। ठीक है, तो खाली पेट, याद रखे, खाली पेट आपको लीवर का कोई भी लीवर का दवा हो, टैबलेट हो या लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसको आपको खाली पेट ही देना है। ठीक है, तो खाली पेट आपको 10 ml खाने के आधे घंटे आगे आपको 10 ml करके 2 बार देना है, एक बार सुबह देना है और एक बार रात के समय में। ठीक है, ये मैटर नहीं करता आप 3 टाइम डॉग को खाना देते हो कि 2 टाइम देते हो, तो सुबह या रात डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। 2 टाइम खाना देते हो तो सुबह, एक बार सुबह एक बार रात को आपको देना है। ठीक है, तो ये 10 ml करके लार्ज ब्रीड के लिए 10 ml देना है। ठीक है, और स्मॉल ब्रीड के लिए 5 ml करके डोज देना है। इसमें पूरा डोज आपको लिखा हुआ है, ठीक है, 10 ml 5 ml करके है। तो ये आप खाली पेट में इसको देना है 7 दिन तक, मतलब मंडे को आप स्टार्ट करोगे तो मंडे से लेकर संडे तक आपको देना है 7 डेज। 7 डेज के बाद आपको 1 दिन गैप करना है। 1 दिन गैप करने के बाद आपको जो कोई भी डिवॉर्मिंग का मेडिसिन ले सकते हो। आप ये मेडिसिन देख सकते हो फ्रेंड, ये डोंटल प्लस है, ये टैबलेट फॉर्म में आता है, ये एडल्ट के लिए अवेलेबल है। 10 किलो पे 1 टैबलेट है। ठीक है, तो वीडियो दिखाता हूँ मैं फ्रेंड कैसे आप टैबलेट है। तो मैंने 3 टैबलेट लिया था, मुझे 3 टैबलेट की जरूरत था, तो मुझे काट के उसने दिया शॉपकीपर ने, तो कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, उसके साथ स्टिकर आता है। तो ये टैबलेट आपको जो 7 डेज इसको चलाने के बाद 1 दिन आपको गैप करना है, मतलब 7 डेज कंटिन्यू करने के बाद 8वां दिन आपको 8 डेज जो होगा वो गैप कर देना है, उसमें कुछ मेडिसिन ही चलाना है। 9 डेज में आपको ये रात को खिलाना है। आपका बॉडी वेट डॉग का कितना बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट डॉग का 40 किलो है तो 4 टैबलेट चाहिए। मेरा डॉग का बॉडी वेट है 30 किलो, तो मैं 30 किलो 3 टैबलेट यूज कर रहा हूँ। आपको वेट नापना पड़ेगा, इसके लिए आपको वेट मेजर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो विदाउट वेट मेजर ना किए हुए इसको यूज ना करें, तो वेट मेजर इस टाइप कुछ आता है। तो ये 3 टैबलेट यूज करना है इसको, जिस दिन 19 दिन मतलब जो दिन 9 डे होगा उस दिन आपको ये टैबलेट यूज करना है। रात को खाना वो जब खिला दोगे आप उसको, खाना खिलाने के जब पॉटी वोटी कर लेगा, पॉटी करने के 1 घंटे बाद इसको खिलाना है। 3 टैबलेट एक साथ, मतलब 30 किलो बॉडी वेट है तो 3 टैबलेट, 40 है तो 4 टैबलेट, 50 है तो 5 टैबलेट या 20 है तो 2 टैबलेट आप खिलाना पड़ेगा। इस दिन आप खिला दिए उसको, खिलाने के नेक्स्ट दिन बाद मतलब 24 आवर बाद ये आपको देना पड़ेगा। ये है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। ठीक है फ्रेंड, ये ह्यूमन के मेडिसिन के शॉप में मिल जाएगा आपको इजिली, कोई भी केमिस्ट के दुकान में आपको मिल जाएगा इजिली। ठीक है, ये आपका पेट साफा करने का दवा है। क्यों, मतलब ये जो बहुत सारे ऐसा होता है डॉग के डिवॉर्मिंग करने के बाद भी डिवॉर्मिंग मतलब डिवॉर्म जो होता है वो क्लियरली निकलते नहीं है, कोई भी आता है मर के उसी में पेट में रह जाता है, पॉटी के रास्ते से अच्छे से नहीं निकलता है, तो ये आपको आपको देना है। ठीक है, तो ये देने के बाद आप पूरा एकदम क्लियरली वो पेट से निकल जाएगा। उसके बाद दिन 24 आवर्स के बाद, ये मेडिसिन देने के 24 आवर्स के बाद आपको ये देना है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। इसका टेस्ट थोड़ा खराब होता है, डॉगी इसको शायद पसंद मतलब चाव से ना खाए, पर आपको देना है। इसका डोज है
आप जैसे आपका बॉडी डॉग का बॉडी वेट है 30 किलो, तो ये 3 टेबलेट देना है, तो इसको देना है 30 ml, एक साथ ही देना है इसको 30 ml रात को खाना खाने के बाद, ठीक है। यदि बॉडी या वेट आपका वो डॉग का 40 ml है, तो इसको 40 किलो है, तो आपको ये 40 ml आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा पेट उसका साफा कर देगा, पूरा जितना उसका पेट में गंदगी है या डिवॉर्मिंग है, कोई भी मेडिसिन इशू है, तो आपको ये पूरा साफा कर देगा। और उसके बाद से फिर आपको 7 डेज लीवर टॉनिक चलाना है, जैसे खाली पेट आप चलाते थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये कुछ 15-16 दिन का प्रोसेस है, ये मेरे गारंटी के साथ आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे इस डोज के साथ, तो आपको गारंटी के साथ आपका पूरा यूजफुल होगा, आपका बॉडी जो आपका डॉग का डिवॉर्मिंग है क्लियरली कट निकल जाएगा। और अब मैं बताता हूँ क्यों लीवर का मेडिसिन चलाना, लीवर का लिक्विड या कोई भी टैबलेट आपको यूज देना पड़ेगा, क्योंकि जो डिवॉर्मिंग मेडिसिन होता है फ्रेंड, डिवॉर्मिंग मेडिसिन में बहुत सारे ऐसा इंग्रेडिएंट्स या कुछ भी इसमें डाला रहता है कि ये लीवर में इफेक्ट करता है, ठीक है। और प्रॉपरली लीवर टॉनिक अब ना दो तो प्रॉपरली ये काम नहीं करता है, तो इसको लिए लीवर के लिए वो ये लीवर दवा देने से 7 दिन चलाने से आपका जो डॉग का लीवर का जो फंक्शन है उसको बहुत स्ट्रांग करेगा, और एक प्रोटेक्शन बना देगा लीवर के चारों तरफ की कोई भी मेडिसिन हो या कोई भी हार्ड मेडिसिन हो कि वो इफेक्ट ना करे आपके डॉग के लीवर में। ना तो आप लीवर टॉनिक नहीं चलाओगे ना फ्रेंड, तो लास्ट में इन केस 4, 5 ईयर, 6 ईयर के बाद डॉग का बहुत लीवर वीक हो जाएगा, कि आप कुछ भी खिलाओगे तो उसको पचेगा नहीं। इसके लिए लीवर के लिए दवा आपको जरूरी है, और डिवॉर्मिंग आपको मस्ट आपको करना ही है। और ये इसका इसका देने का रीजन ये है कि जो भी डिवॉर्मिंग देने के बाद भी ना बहुत सारा डिवॉर्म होता है जो कि फंस के रह जाता है पेट में, निकल नहीं पाता, इजिली निकल नहीं पाता है, तो उसके लिए ये देना पड़ता है कि वो उसका जो पेट है, जो उसका स्टमक का जो फंक्शन है, उसको पूरा साफा करके वो पॉटी के माध्यम से उसको निकाल दे, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करे, शेयर करे, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दे डॉग लवर को, ठीक है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है फ्रेंड, ठीक है। ये वीडियो को ये प्रोसेस करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, 100%, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को और लंबा नहीं करते हुए, तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को और लंबा नहीं करते हुए इंफॉर्मेटिव वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर।